नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं बी फिल्म्स जिस मीडिया। भैया, बॉलीवुड वाले के पास इस समय लगता है काम नहीं है, क्योंकि वो हर दिन कोई ना कोई फिल्म रिमेक करके हमें परोस देते हैं। ऐसा लगता है कि हमें फिल्म देखने का कोई टेस्ट ही नहीं है, जो आप दोगे वो हम खा लेंगे। बट ऐसा नहीं है, आजकल की कोई भी रीजनल फिल्में हो, उस फिल्म का हमें हिंदी वर्जन मिल ही जाता है। हम बात कर रहे हैं विक्रम वेदा का, जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान नज़र आने वाले हैं। तो उस ट्रेलर रिलीज़ हो गया तो हमने सोचा, भैया विक्रम वेदा नाम रखा है, क्या कुछ अलग तो नहीं किया गया? पुराना विक्रम वेदा जो साउथ में रिलीज़ हुई थी, विक्रम वेदा एक सक्सेस फिल्म थी, बहुत सुपर हिट फिल्म थी, उसी फिल्म को रीमेक कर रहे हैं। मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में कुछ खास दिखा नहीं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और इसमें एक ऐसा जो विलन का किरदार है, वो एक साइको रहता है, बट हंसा हंसा के लोगों को मारता है। वही एक यूनिक पॉइंट है इस पूरे फिल्म में। अगर आप जैसे विक्रम वेदा हिंदी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप साउथ वाली देख लीजिए, बहुत बेटर है। YouTube पर आराम से हिंदी वर्जन में आपको मिल जाएगी, पूरी फिल्म आप देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंतज़ार करना है सैफ अली खान और ऋतिक रोशन को, तो वेट करिए। लेकिन आपको ये बता दें कि इसमें विक्रम वेदा वाला जो किरदार है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद से कास्टिंग में कोई मिस्टेक हुई, क्योंकि जो विलन का किरदार है इसमें ऋतिक रोशन निभाने वाले हैं, और मुझे ये नहीं लगता कि ऋतिक रोशन स्माइल करा करा के वो एंग्री मैन कर सकते हैं, क्योंकि हम ये किरदार ज़्यादातर सैफ अली खान के ऊपर, ये किरदार अभी उनकी हाल फिलहाल जितनी फिल्में आई हैं वो एक निगेटिव किरदार में काफ़ी अच्छा खेल जाते हैं। उनकी अभी पद्मावत आई थी, जिसमें वो खली बली सॉन्ग भी किए थे, उसमें उनका मतलब जो एक्ट था वो अच्छे से कर सकते थे विक्रम वेदा में, जो कि हमने साउथ की फिल्में देखी है वो हम एक्सेप्ट थे। लेकिन बट ऐसा नहीं है, इसमें अलग ही किरदार निभाया गया है। विलन का किरदार ऋतिक रोशन को दिया गया और सैफ अली खान को अलग किरदार दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कास्टिंग में कोई गड़बड़ी हो, शायद से इस वजह से विक्रम वेदा हिंदी वर्जन फ्लॉप भी हो सकती या बॉक्स ऑफिस पर चल भी नहीं पाई। अब देखना ये होगा, जब ट्रेलर रिलीज हुआ है, फिल्म जब रिलीज होगी उसका क्या हाल होने वाला है। लेकिन हम एक बात बता देते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों कभी साउथ का रीमेक, कभी मलयालम का रीमेक, सिर्फ रीमेक पे रीमेक किए जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हिंदी वर्जन उन फिल्मों का YouTube पर आराम से देख कर इंजॉय कर सकते हैं। और बॉलीवुड वालों को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, फिल्म बनाएं, ऑडियंस को क्या चाहिए, किस टाइप का टेस्ट चाहिए, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। फिल्में बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद बेच दो फिल्में। इसी वजह से लगता है बॉलीवुड की लगातार बहुत सारी फिल्में उतना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रही हैं। अभी हाल फिलहाल जर्सी आने वाली थी, वो भी साउथ की रीमेक थी। जितनी लगभग फिल्में आ रही हैं, ज़्यादातर बॉलीवुड इंडस्ट्री में रीमेक फिल्में बन रही हैं। अब देखना ये होगा विक्रम वेदा में क्या ऋतिक रोशन विलन के किरदार में अच्छे से वेदा का किरदार जो भी है, हंसा हंसा कर एंग्री मैन मतलब खून करना, उस चीज़ में पूरा मतलब बैठ पाते हैं कि नहीं, और सैफ अली खान अपने किरदार को अच्छी तरह निभा पाते हैं कि नहीं। विक्रम वेदा जब आएगी, उस बीच हम फिर से उस फिल्म का रिव्यू लेकर ज़रूर आएंगे। देखते रहिए बी फिल्म सिस्टर मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।